ओके नाउ लेट अस वर्क ऑन चेन रूल. चेन रूल का मतलब है आई विल बी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस और आई कैन से कंपोजिट फंक्शंस. फर्स्ट एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर. अब देखो इफ यू ऑब्जर्व साइन इज वन फंक्शन स्क्वायर इज वन मोर फंक्शन. साइन एक फंक्शन हो गया स्क्वायर एक फंक्शन हो गया. हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? टू. बट आई ओनली नो डेरिवेटिव ऑफ साइन x. सो टू मेक इट साइन x आई विल से लेट माय u बी अनदर फंक्शन विच इज नथिंग बट x स्क्वायर. सो मैं क्या बोल रहा हूं y इज डिपेंडिंग ऑन x rather than I am saying u is depending on x. Therefore, now my question becomes y is equal to sin u. क्या हो जाएगा क्वेश्चन मेरा? Sin u. But since both are functions of x, I will differentiate with respect to x. देखते क्या मिलता है. मुझे मिलेगा dy by dx. या you differentiate with u only. If I find dy by du, so sin u, I know what is derivative of sin x. वैसे ही sin u का derivative क्या आएगा? Cos u. क्या हो जाएगा? Cos u. और मेरा u कितना है यहां पर? u है x square. इसको मैं derivative लगाऊंगा with respect to x. क्या कर रहा हूं? Derivative with respect to x. तो क्या मिलेगा? du by dx. कितना आएगा वो? 2x. तो मुझे du by dx मिला 2x. dy by du मिला cos u. My question was to find dy by dx. But nowhere I am getting dy by dx. But you see, if I multiply them, that is if I write dy by du into du by dx, तो ये du du कट हो जाएगा. तो मुझे क्या मिलेगा? dy by dx. Yes? तो dy by du कितना है? cos u. du by dx कितना है? 2x. इन शॉर्ट मुझे dy by dx क्या मिल गया? 2x cos u. बट u कितना है मेरा? x square. सो मेरा आंसर आया dy by dx equals 2x cos x square. तो मैंने क्या किया? I knew that I don't know derivative of this. So inside function I assumed it as u. It was very simple because यहां पर दो ही functions थे, एक sin एक x square. It was very easy to make it like this. So we'll solve 2 to 3 sums by this method. Then हम सीखेंगे how to write it directly. ठीक है? It is possible to write such way if you have 2 to 3 functions. But if the functions goes on increasing, it will become difficult to write. Okay? Let us take second example. I'll say y is equal to root of sin x. I am saying y is equal to root of sin x. I don't know what is derivative of this root sin x. I only know derivative of root x. So, main kya karunga? I'll take u as sin x. Theek hai? To yahan par likh dete hain du by dx. Kya ho jayega? Sin x ka derivative cos x. Ab mera y kya ho jayega? Y ho jayega root u. Kya ho jayega y mera? Root u. To y kya aayega? dy by डायरेक्टली. नाउ मुझे dy by dx चाहिए. अगर मैं y का डेरिवेटिव dy by dx लिखता हूं मीन्स आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो रूट यू का डेरिवेटिव आएगा 1/2 √u. क्या आएगा? रूट यू का डेरिवेटिव आएगा 1/2 √u इंटू यू का डेरिवेटिव. क्योंकि ये u x नहीं था तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा? du by dx. इफ यू सी वही किया था यहां पर मैंने. cos u क्या था? dy by du. तो मैंने क्या किया? sin u का डेरिवेटिव था cos u. इस cos u को du by dx से मल्टीप्लाई किया था. du by dx कितना था? 2x. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे dy by dx मिला. दैट इज वॉट आई एम डूइंग हियर. मैं रूट का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 √ इंटू अंदर वाले u का डेरिवेटिव क्या है? du by dx. Therefore, मेरा dy by dx हो जाता है 1/2 √u. u कितना है? sin x. du by dx. du by dx कितना है? cos x. So my derivative becomes cos x
अपॉन टू रूट साइन एक्स, ठीक है, दिस कॉल्ड एज चेन रूल. सो व्हाट यू हैव लर्न, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई टी एक्स. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. आई थिंक वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ रूट एक्स, वाई इक्वल टू टैन ऑफ रूट एक्स. अब मेरा ये रूट एक्स क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि मुझे टैन एक्स का डेरिवेटिव पता है, टैन रूट का नहीं. तो ये टैन ये हो जाएगा मेरा यू. तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखना है, तो टैन का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर यू, है ना, इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू मेनी मोर प्रॉब्लम्स बाय हाउ टू सॉल्व डायरेक्टली, सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व. ओके, ठीक है. Good afternoon, children. Today we'll be starting with the next topic, that is differentiation. Continuity part we'll do later on. We'll start with differentiation. You have already learned differentiation in class 11. Let us just quickly recap what all we have learned. So, by first principle, you have learned that f dash x can be written as limit h tends to 0. f of x plus h minus f of x upon h. If this limit is finite or if this limit exists, then whatever answer I get, that is called as derivative of f of x. So what I am doing, I am finding derivative of this f of x, that is nothing but f dash x. This you have learned. So I'll take one simple example for a quick recap. Suppose I have been given f of x as x cube. Okay. So first I'll write f of x plus h. So what is f of x plus h? X plus h the whole cube. Now I'll use the first principle. The first principle क्या कहता है? F dash x is equal to limit h tends to 0. X plus h the whole cube. Minus x cube upon h. I'll apply a cube minus b cube ka formula. So what will I get? Limit h tends to 0. A minus b. A square. Plus ab. Plus b square. Correct? Upon h. So x, x cancel. Ye h, h cancel. There is no denominator now. So I can directly apply the limit value. H kitna hai? 0. So x plus 0 the whole square. Kitna aega? X square plus again here 0. That is x square plus x square. That is 3x square. Since it exists, I can say f dash x is nothing but 3x square. This f dash x can also be written as d by dx. This is a differentiating operator which is applied on variable x. So d by dx of x cube is 3x square. ठीक है? Just a simple example I have taken for a revision. Now we'll move on to the formulas which you have learned direct by default. That is derivative of a constant. If k is constant, derivative of constant क्या होता है? Zero. बराबर? Why zero? Because it is a constant. Constant means a line parallel to x-axis, and since the line is parallel to x-axis, slope is 0, and slope 0 hai iska matlab uska derivative 0 hai. Then what is derivative of x to the power n? Here x can be any function, n has to be number, so it is n x raised to n minus 1. Then we have derivative of 1 upon x. Now again 1 upon x can be done by this method, but it is good if you remember the formula. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Then we have derivative of root x, that is 1 upon 2 root x. Then we have derivative of log. Whenever I apply derivative to log, it has to be base e, so it is 1 upon x. Then I have derivative of e raised to x, it is e raised to x. If I have derivative of a raised to x,
वेर ए इज एनी कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड एज ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई. ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा माइनस साइन एक्स. हमेशा याद रखो किसी भी फंक्शन का शुरुआत अगर सी से हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा. ठीक है. देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स. देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स दैट इज सेक एक्स टैन एक्स. देन डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या आएगा माइनस सी. इट इज स्टार्टिंग विद सी सो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है. कोसेक एक्स कॉट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स अगेन स्टार्टिंग विद सी सो माई आंसर इज नेगेटिव दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. अब ये सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं. ठीक है. ऑल्सो यू हैव लर्न्ड फॉर्मूलाज फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन. ओके. सो इफ आई से यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स and v is a function of x suppose and if I say y is nothing but u plus v where u and v are purely functions of x. अगर यहां पर derivative लगाना है तो y का derivative आएगा dy by dx. it will become d by dx of u plus v. तो similarly derivative भी normal multiplication की तरह apply होगा. so I'll get derivative of u प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी. ठीक है. इफ इट इज माइनस साइन यहां माइनस आ जाएगा. नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्लाई डेरिवेटिव टू मल्टीप्लीकेशन. अगर u इंटू वी है मीन्स u इज ऑल्सो फंक्शन v इज ऑल्सो फंक्शन तो आएगा आई फर्स्ट कॉपी u एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ v प्लस आई टेक v एंड डेरिवेटिव ऑफ u. सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v plus v into derivative of u. Then we have derivative of quotient rule that is u by v matlab numerator upon denominator. yahan par aayega denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator ka square. theek hai. are you getting it? if u is differentiable v is differentiable then u plus v u minus v also differentiable. same case for uv same case for u by v. ठीक है. this all we had learned last year. what we had learned last year was every function was of x purely. to see everything is a function of x. ये भी nth power of x है square root of x है log of x है a to the power x है sin of x है cos of x है sec of x है. so everything is depending purely on x. now today we'll be learning how to find derivative of sin 3x. instead of x I have 3x or else I want to find derivative of tan cube x or if I say I want to find derivative of sec square x. so all these we'll learn that is called as in topic chain rule. ठीक है.